हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टू रीच विद डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो लर्न टू टीच चैनल पे अभी जो रिसेंटली हम लोग ने डिस्कस किया है वो राइट टू एजुकेशन को पार्ट वन और टू में डिस्कस किया है, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ स्कूल जाने हैं, एसएससी का प्रोविजन जाना है और जाना है कि राइट टू एजुकेशन एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ और इसने अपने अंतर्गत किन किन स्कीम्स को या कौन कौन से स्कूल को समाहित किया है। तो ये तो बात हुई आरटीई के बारे में, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कुछ ऐसे चैलेंजेस और इशूज जो कि आरटीई के सामने आते हैं या आए हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं वो कौन से इश्यूज और चैलेंजेस हैं जो कि आरटीई ने फेस किए। अगर स्टूडेंट में बात करूं सबसे पहले तो इंडिया, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में वेरिएशन बहुत है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और इन सबको एक तरीके से इनरोल करना और इन सबको एक तरीके से लिटरेट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे आरटीई का जो प्रोविजन था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और इनरोलमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट who are from 6 to 14 years age, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 6 से 14 ईयर के एज के बच्चों को अगर हम नॉर्मल भी देखें अपने सोसाइटी में तो दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज इन द सोसाइटी, लाइक लेबर मार्केट, लेबर हो सकते हैं, चाइल्ड लेबर हो सकते हैं, सेलिंग हो सकते हैं, बेगर हो सकते हैं या ऐसे डोमेस्टिक हेल्प हो सकता है। तो बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं और इन बच्चों को स्पेशली उठा के आप शिक्षा ग्रहण करवाना वो अपने आप में चैलेंज है, बिकॉज वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस रियलिटी को। They are happy with their earning. वो खुश हैं अगर वो दिन का 50 रुपए या 40 रुपए भी कमा लेते हैं। तो इनको, इनके माइंडसेट को, इनके पेरेंट्स को अवेयर करना, उनके माइंडसेट को बदलना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहली जो चीज आप देख सकते हो, Children working as a domestic help in the houses. हमें पता है कि इंडिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं या जो गार्जियन हैं उन्हें जरूरत है अपने बच्चों को काम कराने की। अगर वो काम नहीं कराएंगे तो अपने बच्चों को का पालन पोषण नहीं कर सकते, उनको वो दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। तो वो इसीलिए जैसे ही बच्चा थोड़ा सा अवेयर होता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, उसको किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो डोमेस्टिक हेल्प में बहुत से बच्चे लगे हुए हैं। दे आर इन्वॉल्व इन टी स्टॉल एंड रेस्टोरेंट। हम बहुत से टी स्टॉल्स पे देख सकते हैं बच्चे चाय बेचते हैं, रेस्टोरेंट पे टेबल की सफाई करते हैं, प्लेट्स हटाते हैं या उनकी सफाई करते हैं। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी एक्टिविटीज है जिसमें हमें चाइल्ड लेबर देखने को मिलते हैं। इन द कार गैरेज एंड वर्कशॉप, कार गैरेज में हमें देखने को मिलते हैं, वर्कशॉप में एक्चुअली क्या होता है कि दे आर हैप्पी इन डूइंग ऑल दिस थिंग बिकॉज आई थिंक दे फील दैट दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट। जब हम उनको स्कूल के एक दायरे में बांधते हैं, एक बाउंड्री में बांधते हैं, एक सिलेबस में बांधते हैं, तो शायद उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और बेसिकली पर्पज़ ये है कि उनको अभी पैसा कमाना है, ना कि शिक्षा ग्रहण करना। तो उनकी प्रायोरिटीज़ जो लाइफ की होती हैं वो कहीं ना कहीं पैसा कमाना है, बिकॉज अगर वो पैसे नहीं कमाएंगे तो खा नहीं पाएंगे या उनकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे जो प्रायोरिटी हो जाती है काम करना होता है, ना कि शिक्षा ग्रहण करना। सेलिंग थिंग्स ऑन द रोड, हमें रेड लाइट्स पे बहुत से ऐसे बच्चे दिख जाते हैं जो सामान बेच रहे हैं। पुटिंग ऑल दीज किड्स इनटू स्कूल इज नॉट एन इजी एज इट साउंड बिकॉज देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व इन डीलिंग विद देम। अब बात ये है कि हमें पता है कि भारत में गरीबी है, बच्चे हैं 614 साल के, वो गरीब हैं और वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ दी ऑल दीज रीजन। अब करें क्या, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनजीओस, गवर्नमेंट एजेंसीज या आरटीए नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस चीज में, उनको ऐसे काम से हटा के उनको स्कूल तक के लेके आने में, लेकिन उनको समझाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आरटीई ने फेस किए हैं इन बच्चों को स्कूल तक लाने में। फ्रेंड, जैसा कि अभी हम लोग ने वेरियस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में बात किया, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सा एफर्ट किया जा रहा है इन बच्चों को काम से दूर रख के शिक्षा की तरफ लेके आने में, जिसमें कि मुख्य रूप से चार एजेंसीज और उनके आप लोगों देख सकते हो। पहली है लेबर मिनिस्ट्री, जो कि चाइल्ड लेबर या जो बच्चे स्ट्रीट पे हैं काम कर रहे हैं उनको प्रोहिबिटेड करती है, यानी कि जो बाल श्रम है वो एक तरीके से अपराध है, ये चीज बताती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल अफेयर। एंड नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, इनकी तरफ से सारी पॉलिसी देखा जाए तो लॉन्च होती है, वर्किंग होती है, काम करती है। नेक्स्ट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
वुमेन के साथ साथ बच्चों के पोषण आहार, उनकी सही देखभाल, इस पे ध्यान देता है। एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे विकास किया जा सकता है, कैसे लोगों को, बच्चों को शिक्षा तक लाया जा सकता है, कैसे गाँव की जो सूरत है उसको सुधारी जा सकती है, इन सब चीजों में ये देखा जाए तो ये चारों जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं आरटीए के सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द एक्ट अलाउ ओनली चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 टू गेट द प्रिविलेज। जैसा कि हमें पता है कि आरटीई का जो दायरा है बच्चों को पढ़ाई का, वो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है, जब आरटीई लॉन्च हुआ और उसने यूएन चार्टर को सिग्नेचर किया था, तो यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग क्या है, इट लीव आउट यंगर किड्स और ओल्डर वन, यानी कि 6 से नीचे के जो बच्चे हैं उनका क्या और 14 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनका क्या। तो बेसिकली हम मिड वाले बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन 6 तक आने तक के बच्चे क्या करेंगे, यानी कि 0 से 6 ईयर के बच्चों को क्या करना है, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए प्रोविजन है, और 14 साल के बाद इन बच्चों का क्या करना है। तो ये थोड़ा सा इश्यूज है जो कि शायद अभी क्लियर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी, जबकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है दैट इंडिया हैज साइंड द यूएन चार्टर व्हिच स्टेटेड क्लियरली दैट फ्री एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। जबकि ये कहता है यूएन चार्टर जिस पे कि इंडिया ने सिग्नेचर किया था, ये कहता है कि फ्री एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी टू ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों के लिए होना चाहिए जो कि 18 साल तक के हैं। सो 14 साल तक के नहीं, 18 साल तक के, उन सबके लिए कंपल्सरी होना चाहिए। तो इस हिसाब से कुछ इश्यूज हैं जो वर्किंग ऑन पेपर या ऑफ वर्किंग, ऑफ पेपर आप कह दो, या रियलिटी में कुछ हैं और दिखते कुछ और हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि आरटी को फेस करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम कुछ और इश्यूज पे बात करेंगे जो कि आरटी को रियलिटी में फेस करना पड़ रहा है, वो ये है, अकॉर्डिंग टू द 2014 नेशनल सर्वे ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रिपोर्ट, जो कि कहता है कि 6 लाख लगभग 28% स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन बिटवीन 6 टू 13 इयर्स ऑफ एज आर आउट ऑफ स्कूल। अगर ओवरऑल 6 से 14 या 13 साल तक के बच्चों का एक परसेंटेज निकाला जाए, तो उसमें से 28% बच्चे ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, अभी भी वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। सारी फैसिलिटीज होने के बाद एवरीथिंग व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्कूल्स एंड लोकल बॉडीज, 2014 का जो सर्वे था उसके अनुसार 28% लोग हैं जो कि अभी तक इस दायरे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। एंड देयर आर इंस्टेंस वेयर द प्राइवेट स्कूल हैव रिफ्यूज्ड टू एडमिट चिल्ड्रन अंडर द आरटीई प्रोविजन साइटिंग नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि हमें पता है कि 25% जो है वो हर प्राइवेट स्कूल इन बच्चों के लिए रिजर्व रखेगा, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत आएंगे। वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो सकते हैं, रिलीजन कास्ट के आधार पे हो सकते हैं, बेसिकली ऐसे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करेंगे और वो इस प्राइवेट स्कूल में एज 25% में आएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने ये रिफ्यूज किया है, उन्होंने एडमिशन देने से मना किया है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट होना चाहिए इन 25% बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या टीचर की सैलरी से रिलेटेड हो या जो भी उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, वो पेमेंट स्कूल को नहीं हो पा रही है, इसलिए हम इन बच्चों को एडमिट नहीं करेंगे। उस 25 में हम नॉर्मल बच्चों को लेंगे जो जिनके पेरेंट्स होते हैं वो पे कर सकें। बेसिकली वो अपने लॉस को कम करने के लिए इन्होंने एडमिशन देने से ही मना किया है। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं, हाउ इंटरेस्टेड आर द पेरेंट ऑफ पुअर किड्स टू सेंड देम टू द प्राइवेट स्कूल इवन द एजुकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात आ रही है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आरटी है या यूनिवर्सलाइजेशन है या मिड डे मील प्रोविजन है, इन सबके होने के बावजूद एवरीथिंग इज फ्री, चाहे वो आपका बुक्स हो, यूनिफॉर्म हो, स्कूल बैग हो, स्कूल की फीस हो, जब सारी चीजें फ्री हैं, तो क्या कोई पेरेंट अपने, जो कि गरीब पेरेंट है, वो अपने गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए भेजेगा जहाँ पे वो कोप विद कर सके उन बच्चों के साथ जो कि काफी रिच हैं और दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी
खुद सोसाइटी और उनके पेरेंट्स बहुत सी चीज़ों पे खर्च करते हैं, तो क्या वो मन मुटाव बच्चों में या उन लोगों के साथ वो मिक्स मैच कर पाएगा? तो ये साइकोलॉजिकली एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है, क्योंकि शायद जो बच्चे ने वो सारी चीज़ें रियलिटी में नहीं देखी, आफ्टर स्कूल तो वो अपने घर पर ही जाएगा ना, तो क्या उन सारी चीज़ों के साथ वो तालमेल बैठा पाएगा? तो ये एक बड़ा ही बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डज नॉट प्रोमिस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ऑल दो अभी हमारा जो फोकस था वो ज्यादा ज्यादा एनरोलमेंट पे था, ज्यादा ज्यादा बच्चों को एनरोल्ड करो, उनको शिक्षित करो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो क्वालिटी एजुकेशन है वो डिटीरियोरेट होने लगी है, उसके उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट लूप होल्स ऑफ द आरटीई एक्ट इज रिलेटेड टू ऑटोमेटिक प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। एक ये भी एक बहुत ही बड़ा लूप होल है आरटीई का, राइट टू एजुकेशन एक्ट का, ये बच्चों के इवेल्युएशन को एक तरीके से मान्यता नहीं देती है, ऑटोमेटिकली प्रमोट करती है एक क्लास से दूसरी क्लास में। तो जो एक एग्जामिनेशन का भय होता है, या फिर आप कह सकते हो कि एग्जामिनेशन के जरिए बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं वो ना होने की वजह से बच्चे भी बहुत ज्यादा इसे लाइटली लेते हैं, उन्हें पता है कि मुझे प्रमोट होना ही होना है, तो वो स्टडी में उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि आरटी को आरटी फेस कर रही है आज के टाइम पे। स्टूडेंट्स, अब इस एक्ट के कुछ और लूप होल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। बात ये है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफाइड टीचर्स। हमें पता है कि कितने अधिक संख्या में, अभी जैसा कि हमने देखा 28% बच्चे अभी भी हैं जो कि अभी स्कूल के दहलीज तक नहीं पहुंच पाए हैं, बच्चे तो नहीं पहुंच पाए हैं, और ऐसे भी बहुत से स्कूल हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक टीचर पे पूरा स्कूल निर्भर है। उस टीचर को एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करना है, टीचिंग भी करनी है, सोसाइटी को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, एवरीथिंग इज डूइंग बाय ओनली वन टीचर। तो ये भी रियलिटी है हमारे इंडिया की। तो लूप होल्स भी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं कि ट्रेन क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है अवेलेबल। स्टूडेंट टीचर रेशियो स्पेसिफाइड इन द एक्ट क्रिएटेड अ ह्यूज डिमांड फॉर क्वालिफाइड टीचर। जैसा कि हमें पता है जो डिमांड रखी, जो स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत बड़ी संख्या में क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, जो कि एक तरीके से देखा जाए उसकी डिमांड को फुलफिल करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। करेंटली देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ऑफरिंग ब्रिज कोर्सेज टू इक्वलाइज पीपल ऑन द लर्निंग स्केल। ब्रिज कोर्सेज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ब्रिज कोर्सेज स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है जो कि पढ़ाई से या तो हट चुके हैं या जिन्होंने अभी भी जिनकी एज तो हो रही है बट वो जो कि अभी तक कभी भी स्कूल नहीं गए, तो उन्हें अपने एज के अकॉर्डिंग चीजों को समझाने से पहले 3 से 4 महीने के ऐसे कोर्सेज चलाए जाते हैं जिससे कि वो बड़ा फैमिलियर हो जाए और मेन स्ट्रीम के साथ इजली उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा कोई प्रोविजन आरटीई में हमें देखने को बहुत अच्छे से नहीं मिलता है। फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन ट्रेनिंग नीड टू बी मेड मैंडेटरी फॉर लैगिंग किड्स टू ब्रिंग ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास एट द सेम टाइम। फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन ट्रेनिंग नीड टू बी मेड मैंडेटरी। कुछ ऐसी ट्रेनिंग को भी हमें मैंडेटरी करना चाहिए जिससे कि एक ही लेवल के बच्चे हमें एक ही स्टैंडर्ड में देखने को मिले, क्योंकि एरिया वाइज या स्टेट वाइज भी हमें इसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो ये भी अगेन कुछ लूप होल्स हमें आरटी के देखने को। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ तो आरटी के सामने एक रिलीजियस माइनॉरिटी का इशू बहुत ज्यादा आता है। NCPCR कहता है कि रिकमेंड करता है दैट रिलीजियस माइनॉरिटी स्कूल जो हैं लाइक मदरसेज हैं या मिशनरी स्कूल हैं बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ आरटी। इनको भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ही लाना चाहिए। लेकिन अगर बात ये आ रही है कि अगर ये आ रहे हैं तो भी कुछ इशू आएगा। क्या इशू आएगा? इट हैज क्वेश्चन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द मदरसा एंड सेड दैट अराउंड 2 करोड़ चिल्ड्रन स्टडिंग इन देम आर एज गुड एज आउट ऑफ द। अगर बात करें तो ये कहता है कि 2 करोड़ के लगभग जो बच्चे हैं वो माइनॉरिटीज या मिशनरी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो रीजनल माइनॉरिटीज स्कूल्स होते हैं, और ये कहना है कि ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या अगर हम इनको स्कूल्स में लाते हैं तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है या ये एज गुड एज आउट ऑफ द स्कूल, या इसको हम उसमें काउंट करें या कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उस चीज में काउंट करें, या फिर अगर वो कुछ स्पेसिफिक रिलीजन की शिक्षा ले रहे हैं तो ये उनके लिए गुड है।
तो ये अपने आप में बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है, और अगेन इट्स इश्यूज एंड चैलेंज ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, बिकॉज जब हम बात करते हैं वैरायटी की, वेरिएशन की, अलग अलग रिलीजन की, अलग अलग लैंग्वेज की, तो ऑब्वियसली कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस तो हमें फेस करने ही पड़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आरटीई का पार्ट वन, पार्ट टू और आज जो हम लोग ने चैलेंजेस और इश्यूज समझा है उसके अकॉर्डिंग अब आपको एक पूरा स्केच या आप कह सकते पूरा ड्राफ्ट आरटीई का समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क मी, एंड आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।